तो भाई आज हमारे पास है दो ऐसे आईफोन्स जिनका डिजाइन तो देखने में ऑलमोस्ट सेम है बट जो इनकी स्पेसिफिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पहला है आईफोन 7 एंड जो दूसरा है वो है आईफोन SE 2020 यानी कि आईफोन SE 2। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों आईफोन्स का कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन यानी कि फोटो वीडियो सब कुछ ही टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की कैमरा की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के डिजाइन की। तो डिजाइन दोनों आईफोन्स का ऑलमोस्ट सेम है बट जो इन दोनों आईफोन्स के डिजाइन में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो आईफोन 7 है उसका जो बैक पैनल है वो मिलता है हमें एल्युमिनियम फिनिश के साथ एंड जो आईफोन SE 2 है उसका जो बैक पैनल मिलता है वो मिलता है हमें ग्लास फिनिश के साथ। तो अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो जो आईफोन 7 एंड आईफोन SE 2 तो दोनों ही आईफोन्स की बैक साइड पर हमें एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो आता है अपर्चर 1.8 के साथ। एंड जो इन दोनों आईफोन्स के कैमरास में मेजर डिफरेंस है वो है कि जो आईफोन 7 है उसमें हमें कोई भी पोर्ट्रेट मोड का फीचर देखने को नहीं मिलता एंड जो आईफोन SE 2 है इसमें हमें पोर्ट्रेट मोड का ही फीचर देखने को मिल जाता है। सो अब कर लेते हैं इन दोनों आईफोन्स का कैमरा टेस्ट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इन दोनों आईफोन्स का वाइड एंगल मोड यानी कि जो हमारा नॉर्मल मोड होता है एंड देखते हैं कि नॉर्मल फोटो में इन दोनों आईफोन्स की क्वालिटी कैसी आती है। एंड फाइनली कम टू द वीडियो पार्ट। अब एक वीडियो शूट करेंगे इन दोनों आईफोन से एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की वीडियो की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। एंड वन मोर थिंग आपको बता दें कि जो आईफोन 7 है वो मैक्सिमम 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकता है एंड जो आईफोन SE 2 है वो मैक्सिमम 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकता है।